क्या आपकी आंखें कमजोर होनी शुरू हो रही है? क्या आपके बाल छोटी उम्र में ही झड़ना शुरू हो गए हैं? क्या आपके बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं? क्या आपके चेहरे पर झुर्रियां या दाग धब्बे हो रहे हैं? क्या आपका शरीर सुस्त सा या आपको कमजोरी सी महसूस हो रही है? तो ये वीडियो बेशक आपके लिए है। आप विश्वास कीजिए, आज मैं आपको जो औषधि बताऊंगी उसकी प्रयोग से आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। अगर छोटी उम्र में ही बाल झड़ गए हों तो वो भी पुनः उग जाएंगे, और जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बाल काले होने शुरू हो जाएंगे, वह वृद्धावस्था तक बाल काले घने बने रहेंगे, दांत मजबूत रहेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और चेहरे पर कांति यानी चमक आएगी, चेहरे के रिंकल्स फाइन लाइंस ठीक होने शुरू हो जाएंगे, चेहरा बेदाग व गोरा हो जाएगा, शरीर मजबूत बनेगा, सुस्ती थकान कमजोरी सभी दूर हो जाएंगे, वह आप 40-50 की उम्र में भी बिल्कुल जवान लगोगे। उम्र के साथ होने वाली बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेगी। इसके लिए आपको चाहिए नंबर एक आंवले का पाउडर, नंबर दो काले तिल का पाउडर, नंबर तीन भृंगराज का पाउडर और नंबर चार गोखरू का पाउडर। आप चिंता ना करें, यह औषधि बहुत ही स्वादिष्ट होगी, आप आसानी से ले सकोगे। तो आप इन चारों को 100-100 ग्राम की मात्रा में लें कर इन चारों के पाउडर में 400 ग्राम पीसी हुई मिश्री मिला लें। उसके बाद इसमें 100 ग्राम शुद्ध देसी घी गाय का व 200 ग्राम शहद मिलाकर किसी कांच के बर्तन या जार में ढक लगाकर रख लें। वह सुबह शाम खाली पेट एक एक चम्मच की मात्रा का नित्य 3 महीने तक प्रयोग करें। उसके बाद आप स्वयं परिवर्तन देखोगे। प्रत्येक साल इसका कम से कम 3 महीने तक जरूर प्रयोग करना ही चाहिए। हम थोड़ी थोड़ी सी आयुर्वेदिक जानकारियां प्राप्त करके उनको अपनाएं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ही तो लगती है एक बार औषधि बनाने की, बाकी याद रखकर उसको लेना ही तो होता है। क्या हम अपने शरीर को, आँखों को, बालों को, त्वचा को, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? तो प्लीज़ आयुर्वेद की इन औषधियों का प्रयोग अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में से कुछ समय निकालकर इनका सेवन कीजिए व अपने आप को स्वस्थ रखिए। आयुर्वेद पर यकीन करिए, सभी बीमारियों की दवा आयुर्वेद में है, विश्वास रखिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक और शानदार नॉलेज के साथ। धन्यवाद।